नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा अभी इस समय आप देख रहे हैं, चारों तरफ कोविड का माहौल बना हुआ है। इस समय चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। न्यूज़ चैनल पे या कहीं पे भी आप देखेंगे, चारों तरफ ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी मची हुई है। ये देख करके बहुत ख़राब लग रहा है। दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे शायद आपकी ऑक्सीजन की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अधिकतर लोगों के लिए जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या है कि हमारे घर में नेबुलाइजर सभी के घर में अधिकतर अवेलेबल होता है। जैसा आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये नेबुलाइजर पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि नेबुलाइजर लेना है। लेने के बाद में इधर से आपने पावर लगा ली। लगा के आपको इसको पावर को आपको इधर यहाँ पे ये कनेक्ट करना है। इधर आपने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में आपने ये यहाँ से यूँ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आपने इधर से ये चालू कर दी। आपकी ये मोटर चालू होगी। आपने इसमें कोई भी लिक्विड वगैरह कुछ नहीं डालना है। जनरली इसमें क्या होता है कि दो लिक्विड पड़ते हैं, इस तरीके के दो लिक्विड डाले जाते हैं, लेकिन आपने कोई भी लिक्विड नहीं डालना है। और आपने ये इस तरीके से आप लगा लेंगे और रिलैक्स से आप बैठ जाएंगे। आप रिलैक्स से बैठ जाएंगे। आप ये देख रहे हैं जो आपके चारों तरफ की जो एयर है, जो आपके चारों तरफ की जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में, उसके लिए खींचेगा। आपके लिए अलग से कहीं से भी ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए ही ऑक्सीजन खींचने का काम करेगा। और मेरे हिसाब से आप इसको आप एक बार यूज़ करके देखिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऑक्सीजन के लिए एकदम सफिशियंट रहेगा। कहीं पर भी मारा मारी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए नेबुलाइजर बहुत अच्छा काम करेगा। और आशा करता हूँ आपके लिए इस तरह की कहीं पे भी कोई परेशानी होगी तो आप एक बार ये नेबुलाइजर जरूर यूज़ करके देखिएगा। दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर या इधर उधर की चीज़ों के चक्कर में परेशान होने से बेहतर है कि हमारे घर में जो इक्विपमेंट है, हम उनका प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। इस ट्रिक को यूज़ करिएगा। आशा करता हूँ ये आपके ज़रूर काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों।